कंप्यूटर फंडामेंटल। इस सेक्शन में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ है। लैटिन जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें से एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे कंप्यूट कहते हैं। इट मीन्स टू कैलकुलेट, कुछ गणना करना। तो कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बनाया गया है, जैसे प्ले खेलना, प्लेयर खेलने वाला, सिंग गाना, सिंगर गाना गाने वाला। उसी ढंग से टू कैलकुलेट, कंप्यूट कैलकुलेट, कंप्यूटर कैलकुलेट करने वाला। तो नॉर्मली कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में कंसीडर किया जाता है जिसमें दोनों प्रकार का कैलकुलेशंस संभव है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। आगे हम समझेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन किसे कहते हैं। तो ये कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन के रूप में कहा जाता है। जैसे वैसे बहुत सारा इसका डेफिनेशन अलग अलग बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही होगा। तो एक दो डेफिनेशन को हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि एक पहला डेफिनेशन हमने लिखा है, यदि कंप्यूटर एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डिजाइन किया गया इस रूप में कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसका प्रोसेसिंग करके एज ए रिजल्ट आउटपुट हमें देता है। मतलब जब कुछ हम कुछ टाइप करेंगे तो वो इनपुट कहलाएगा, कंप्यूटर के अंदर में जाएगा, उसका प्रोसेसिंग करके रिजल्ट हमें वापस देगा। इसको और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जब मुझे कोई कैलकुलेशन करना होता है तो 2+2 अगर करना हो तो 2+2 हम प्रेस करते हैं, बाद में वो रिजल्ट मुझे देता है। इतना क्विकली देता है कि पता नहीं चलता, बट आफ्टर प्रोसेसिंग देता है वो। उसी ढंग से कंप्यूटर भी एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, सॉरी डिवाइस है। नीचे के डेफिनेशन में देखें, ये सबसे आसान है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। द कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाई स्पीड मतलब किसी भी काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका बहुत कुछ है आपके अराउंड, जैसे देखिए पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, बल्ब, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज मीन्स जैसे कि पंखा, तो पंखे का एक काम है सिर्फ हवा देना, फ्रिज उसका एक ही काम है कूलिंग करना। लेकिन आप कंप्यूटर को कंसीडर करें तो ये देखें, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम आप ले सकते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, रिसर्च, बहुत सारे सेक्टर में कंप्यूटर का यूज हो सकता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज कहा जाता है। जैसे पंखा आपका सिंगल पर्पज है, लेकिन कंप्यूटर आपका मल्टीपर्पज है। तो नीचे वाला डेफिनेशन काफी आसान है और जब कोई पूछे तो उसको बताया जा सकता है, इसलिए एक दो डेफिनेशन तो आपको याद रहने ही चाहिए। तो इस पर्पज से इसमें से कोई इंट्रोडक्शन आप ही याद रख लें। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स से मिलकर बना हुआ है। वैसे कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर अपने आप में एक फुल वर्ड है। फुल फॉर्म किसका होता है, जो शॉर्ट उसका हम फुल फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसे बताना है कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर खुद में फुल वर्ड है। लेकिन कुछ राइटर ने उसके वर्ड से, अलग अलग कैरेक्टर से मीनिंग निकाल के एक पूरा डेफिनेशन क्रिएट किया हुआ है, उसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि देखें, COMPUTER, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, सी से कॉमन, साधारण रूप से चलाने वाला एक मशीन, ऑपरेटिंग चलाने वाला, एम से मशीन। तो साधारण रूप से, कॉमन, साधारण रूप से चलाने वाला एक मशीन जिसका प्रयोग किया जाता है किसी विशेष, पर्टिकुलर, किसी विशेष कार्य के लिए, यूज्ड फॉर, प्रयोग किया जाता है, टी से टेक्निकल कार्य के लिए, इस एजुकेशन एंड आर से रिसर्च के लिए। तो इसके वर्ड में ही इसका पूरा डेफिनेशन है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, उससे हम क्या क्या सुविधा उठा सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उसे फीचर्स कहते हैं। तो देखिए, फीचर्स
कंप्यूटर का तो फीचर्स बड़ा पड़ा है, बट उसमें से कुछ सेलेक्टिव है जिसको हम चुन के बता सकते हैं। जैसे स्पीड, कंप्यूटर काफी हाई स्पीड में कार्य को करता है, बहुत ही काफी फ्रिक्वेंटली काम करता है और फटाफट काम को कंप्लीट करता है। तो एक कंप्यूटर काफी फास्ट होता है। अब उसको सेक्शन वाइज याद रख सकते हैं, जैसे कि बुलेट्स में हमने दिया हुआ है काफी डेफिनेशन, रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड है एक्यूरेसी, इसमें शुद्धता की गारंटी होती है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें एक्यूरेसी 100% होता है। जब तक गलती नहीं होगा तब तक, जब तक कि आप उसमें गलत डेटा को फीड ना करें। इसको गीगो भी कहा जाता है, जिसे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर किसी चीज के अंदर हम कचरा डालेंगे तो कचरा ही मिलेगा। उसी ढंग से ये कंप्यूटर तब तक गलती नहीं करेगा जब तक हम उसमें कोई गलत वैल्यू इनपुट ना करें। सब कुछ मुझे जोड़ करना है, एडिशन करना है, और 2+2 हम प्रेस करना चाहते हैं और प्लस के जगह पे माइनस प्रेस हो गया, ये तो ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट हुआ ना, कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है। तो तब तक कंप्यूटर गलत नहीं करेगा जब तक हम गलत डाटा को एंटर नहीं करें। नेक्स्ट है हमारे स्टोरेज कैपेसिटी। ये मोस्ट यूजफुल फीचर्स है कंप्यूटर का, स्टोरेज। कंप्यूटर के डेटा को आप स्टोर कर लें और जब कभी मर्जी हो तब उसको एज ए रिक्वायरमेंट उसको देखें। ये फैसिलिटीज कैलकुलेटर के अंदर में नहीं होता है। जैसे कि कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेटर को आप ऑफ कर दें, फिर वो डेटा मिलेगा मुझे दोबारा वापस कल परसों तरसों कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर में आप डाटा काम करके डाटा को स्टोर कर दें, ये डाटा हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहेगा, वर्षों तरसों परसों कभी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब जैसे वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के बारे में सुना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी प्रतिभा हो, वो सिंगिंग भी जानता हो, वो पेंटिंग भी जानता हो, वो एक अच्छा डॉक्टर हो, वो एक अच्छा इंसान हो। इसी ढंग से कंप्यूटर भी वर्सेटाइल फीचर्स का होता है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी लास्ट बताया, लास्ट सेंटेंस में, उसमें आप एंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर का, एजुकेशन का, रिसर्च का, बहुत सारे सेक्टर, इसलिए उसको वर्सेटिलिटी बोलते हैं। दूसरा है ऑटोमेशन। बहुत सारे से फीचर्स है कंप्यूटर में, जैसे डेटा के बदलने से ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेट आपका रिजल्ट क्रिएट कर देगा, या लॉजिक के बेस पे आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्रिएट कर प्रोड्यूस करके आपको देगा। दूसरा है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि थकान, जैसे टायर्डनेस। एक ह्यूमन बीइंग जब तक कुछ एक लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है विद द सेम प्रोफिशिएंसी, जो फर्स्ट आवर उसका प्रोफिशिएंसी होगा वो सेकेंड आवर में नहीं होगा, थर्ड आवर में घटेगा, फोर्थ आवर में और घट जाएगा उसका। मतलब ह्यूमन बीइंग काम करने के बाद धीरे धीरे थकता चला जाता है और एक लिमिट टाइम के बाद वो बिल्कुल उसके प्रोफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। बट कंप्यूटर में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके अंदर में कोई थकान, टायर्डनेस ऐसा कुछ चीज नहीं है। जो फर्स्ट आवर में उसका प्रोफिशिएंसी एक्यूरेसी होगा वही स्पीड होगा, वही स्पीड और एक्यूरेसी जो है लास्ट आवर में, जब तक आप उसे काम लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर के फीचर्स। देखते हैं नेक्स्ट। पूरे कंप्यूटर कोर्स में आपको दो चीज परेशान करेगा, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा को बहुत सारे लोग डेटा भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर में डेटा क्या है उसको समझते हैं, ये काफी इजी है और आसान है, इसको धीरे धीरे समझे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो काफी फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा रिवीजन करके देखें, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं डेटा क्या होता है, या फिर डेटा, जो भी आप समझना चाहें, दोनों सही है, प्रोनंसिएशन अलग अलग है। तो डाटा जो होता है वो कंप्यूटर में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि व्हाट एवर वी पुट फ्रॉम द आउटसाइड टू द कंप्यूटर थ्रू इन एनी इनपुट डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड डेटा। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में बाहर से पुट करते हैं, बाहर से कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, वो सब डेटा कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड से ABCD 1 2 3 4 कोई सिंबल, कुछ भी, जो कुछ भी हम प्रेस करते हैं
वो क्या है कंप्यूटर के लिए? डेटा है। वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, डाटा का प्रोसेसिंग होता है, डाटा का सही कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहां देख लीजिए, नीचे अपने लिखा हुआ है राज 12 11 बी एटसेट्रा, ये सभी डेटा है। अलग अलग डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब डेटा को हम सही रूप में एक साथ फॉर्मेशन करेंगे सही अरेंजमेंट के साथ, तो वो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे आप देखें राज इज 12 इयर्स ओल्ड, ये अलग अलग रहे तो इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन यही डेटा को हमने एक अच्छे तरीके से सजा दिया तो इसका मीनिंग हो गया जो राज है वो 12 इयर्स का है। अगर उसको मैं थोड़ा उलट पलट दूं, राज ओल्ड 12 इज इयर्स, देयर इज नो मीनिंग, तो डेटा क्या कहलाता है? जो कुछ भी कंप्यूटर में हम बाहर से देते हैं वो डेटा कहलाता है, और उसका सही से प्रोसेसिंग करके एक जो रिजल्ट तैयार होता है एज ए आउटपुट, वो हमारा इंफॉर्मेशन बनता है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना है? इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना थ्रू रॉ मटेरियल, थ्रू डेटा। ठीक है फ्रेंड्स।